हेलो दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं वॉल हैंगिंग। तो वॉल हैंगिंग बनाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन पे पुश जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें वॉल हैंगिंग बनाने के लिए कुछ स्टिक्स चाहिए। हमने स्टिक्स को एक एक शेप में कट कर लिया और इनको पेस्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें होम शेप में पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने इधर पर ग्लू लगा लिया और इसे इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे और फिर इसको नीचे पेस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पेस्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से हम नीचे का भी पेस्ट कर लेंगे। तो जब तक वो सूख रहा है तब तक हम डेकोरेट का सामान बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस तरीके से हर्ट्स के 6 पीसेस करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो अब हमारे 6 पीसेस हो गए हैं और अब हम इन्हें इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। हमें इतना छोड़ देना है, बाकी पूरे में ग्लू लगा लेना है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो हमने स्टिक कर ली है तो हमारे ये 3 पार्ट्स हो गए हैं, क्योंकि एक पार्ट में 2 लगाए तो हमारे 3 पार्ट्स हो गए हैं। और इसके बाद हमें इस शेप के अपने सारे फ्लावर्स कट कर लेने हैं। तो चलिए कट कर लेते हैं। तो हमने सारे फ्लावर्स अपने कट कर लिए और इस तरीके से हमने अपना एक डेकोरेट कर लिया है। आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके बाद हमें चाहिए कुछ रॉड्स। इस तरीके से हमें रॉड्स चाहिए। अब मेरे पास ग्लास रॉड्स हैं तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अब हम इसके बाद वाले स्टेप में आते हैं। तो चलिए हमने सुई धागा ले लिया और एक एक करके इनमें रॉड्स डालेंगे। तो पहले हम 2 रॉड डाल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारी 2 रॉड पड़ गई हैं। फिर इसके बाद एक हर डाल लेंगे। इस तरीके से हमें एक हर्ट डाल लेना है। तो अब हमें बाकी के 3 ग्लास डाल लेने हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम अपने सारे रॉड डाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने 2 और बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी 3 बनके रेडी हो चुकी हैं और अब हम अपने होम के पास चलते हैं। तो ये देखिए अब हमारा ये सूख गया और अब इसमें हम अपना ब्राउन येलो कलर का पेंट कर लेंगे। आप और भी कोई कलर ले सकते हैं, बस मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। तो चलिए इसे पेंट कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपने होम में पूरे में पेंट कर लेंगे। होम शेप का जो मैंने बनाया उसमें पूरे में पेंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अपना पेंट कर लिया है और मेरा ये बनके रेडी हो चुका है। और मैंने जो ये बनाए थे अब इन्हें मुझे इसमें बांधना है। तो चलिए आपको बांध के दिखाते हैं। जो हमने इधर से रखा था इसको हमें इधर पर बांधना है। इस तरीके से इसे बांधेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैंने ये ब्लैक ब्लैक करके अब दिखेगा, अभी इसके ऊपर फ्लावर्स लग जाएंगे। इस तरीके से 4-5 गाँठियों में बांध लेंगे। तो ये देखिए हमने अपने ये बांध लिए हैं और अब हमें इनके ऊपर फ्लावर्स लगाने हैं। तो हम फ्लावर्स लगा लेते हैं। हमें फ्लावर में पीछे ग्लू लगा के इस तरफ एक ग्लू लगाना है, ये देखिए। और फिर से फिर इसे लगा लेंगे। फिर इसको लगा देंगे इस तरीके से, इसे भी लगा देंगे। और फिर जो हमारा ये वाला फ्लावर है, इसको यहाँ स्टिक कर। तो हमने एक छोटा सा रिबन लिया है जिसे हमें यहाँ पर लगा लेना है इस तरीके से। हमें पीछे करके लगाएंगे इसको।
इधर से इसको इधर पर ले आएंगे। इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा रिबन लग गया। तो ये देखिए हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। सुपर्ब, तो लग रहा है ना बढ़िया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।